हमने तो अपने कार्ड ओपन कर दिए हैं, और अगर कल कुछ होता है फिर आप कहेंगे कि हुकूमत ये कर रही है वो कर रही है, हुकूमत ने तो वही करना है जो कानून कहता है। हमने अपने पत्ते शो कर दिए, हुकूमत वही करेगी जो कानून कहता है। हुकूमती रिट को चैलेंज किया गया तो जवाब मिलेगा। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, परवेज खटक कहते हैं अपोजिशन के पास मुतालबात हैं तो मेज़ पर आए। फजलुर्रहमान इदारों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लगता है ये लोग इंडियन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वजीर दिफा का कहना था कि वजीर आजम का इस्तीफा नामुमकिन बात है, इसका मतलब है ये सिर्फ चढ़ाई करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़ा ये तो मेरे ख्याल में नामुमकिन से बात है, ऐसे है कि इसलिए हम ये चढ़ाई करना चाहते हैं और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी और हम फिर एक्शन लेंगे। इस बात पे मुत्तफिक है हम कि पाकिस्तान के शहरियों को किसी प्राइवेट मलेशिया के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। कोई अवाम कोई अरगमाल बनाने के लिए आया तो रियासत हरकत में आएगी। मौविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने साफ साफ बता दिया, शहरियों को किसी निजी मलेशिया के हाथों यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। और T20 के बाद वनडे टीम की क्यादत के लिए भी बाबर आजम के नाम पर गौर, टेस्ट टीम का नायब कप्तान भी बनाने का इम्कान। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया जा सकता है।